to Hippo Presents Comedy Circus Mahasangram. इस हंसी की जंग में होगी आज मेलेडी, है म्यूजिकल स्पेशल, नाचेगी आज कॉमेडी. आज म्यूजिकल स्पेशल है तो आ रहे हैं द वेरी टैलेंटेड एंड द वेरी गुड लुकिंग आदित्य नारायण. आदित्य वेलकम टू द शो, बहुत बहुत स्वागत है आपका. आदित्य आपकी फिल्म आ रही है और आप काफी एक्साइटेड है उसको लेके, तो प्लीज हमें कुछ बताइए उसके बारे में. बिल्कुल, मेरी डेब्यू फिल्म आ रही है 19th of March. फिल्म का नाम है शाबित. ये हॉरर फिल्म है. एक्चुअली यू नो व्हाट, ऑनेस्टली आदित्य, आई लव हॉरर फिल्म्स. हां नहीं, वो तो आपको देख के पता ही चलता है. बहन जी, वो मेरी सीट कहाँ है, मैं जरा चला जाऊँ. जोरदार तालियां आदित्य नारायण के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आदित्य. आज हंसी के सुरताल पर लाफ्टर की मुक्का लात होगी, लेकिन इस नाच गाने में भी एक खतरनाक बात होगी. हो जाएगा वो शहीद जो थोड़ा भी पड़ा कम, तो आ देखे जरा किस में कितना है दम. वीआईपी जा पहुंचे एक बार फिर अपने चाइनीज गुरु के पास. आंखों से सांगा, देखिए इस बार गुरु ने क्या आशीर्वाद देते हैं. प्लीज वेलकम अर्चना के आखिरी सिपाही सीजन वन के पुरंज स्वप्निल एंड वीआईपी. शटर अप. ओहो, हारमोनियम. फाइनली मैं हारमोनियम बजाना सीख चुका हूं. एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं. चले कहते बजे कहते हम बखूब दांत मुझे डांत हो. मैंने पहले कहा था जानी, हम जब भी बिल्कुल सही कहेंगे ये कहेंगे ए, 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 को बोला ना मेरे हिंदू का खून मुसलमान का समझ रहे बात तो तुम. अब मैं जो सीखने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े सिंगरों की आवाज, और उसे लेकर आएंगे मेरे गुरु संगीत सम्राट. कौन था? कभी किसी से प्यार किया? नहीं किया. कभी किसी को दिल किया? नहीं दिया. तो नल्लो यहाँ कर क्या रहे हो? कौन था? मेरे गुरुजी संगीत के बड़े विद्वान हैं. इन्होंने दुनिया में कोने कोने में जाके गाना गाया है. खुले में कोई गाने नहीं देता. सबसे पहले गुरुजी मुझे रफी साहब का गाना सिखाओ. रफी साहब कौन था? बहुत बड़ा सिंगर था. कौन था? हमको मालूम. हम खाली फॉर्मेट बोल रहे हैं. गाना गाओ. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है. सुर नहीं लगा. लगेगा. गाओ. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना. कौन था? अरे मेरा पाव था. नहीं, मोहम्मद रफी था. हम तुमको एक और बड़ा सिंगर का आवाज सिखाएगा. एक और? एसपी बाला सुब्रमण्यम. एसपी बाला सुब्रमण्यम. इतने सारे सिंगर की आवाज, गुरुजी एक एक करके सिखाओ. कौन था? ये एक ही सिंगर है. इसका नाम इतना बड़ा है कि लोग इसको मिलता है तो बोलता है हमने आपका बड़ा नाम सुना है. कौन था? गाना गाओ. तुमको जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ. गोली खाओ. अच्छा, और एक दो ना. कौन था? इससे आवाज आएगा? इससे नींद आएगा. गाना गाओ. सोने से पहले गाना गाओ. तुमको जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ. हेलो मेरे दिल दी कहा, वो ढूंढता ही रहा. कभी लिंकिंग रोड, कभी पैडल रोड, कभी चैनी रोड, कभी हैमिल्टन रोड.
सुब्रमण्यम था बाबा सुब्रमण्यम। अगला आवाज के लिए तुमको कपाल भाती पता है? नहीं, मुझे खाली दिव्य भारती पता है। कौन था? जबरदस्त था। कौन था? कपाल भारती पता है गुरुजी, पता है, पता। लेकिन क्यों? हम तुमको आरडी दादा का आवाज सिखाएगा। ओ पंचमदा। गाना गाओ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। बैठो, कपाल भाती करो। लाइन के बीच में कपाल भाती करो, आरडी दादा का आवाज आएगा। सांस अंदर सांस बाहर, शुरू करो। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आँखों में यारों का दिल हो जाता है। कौन था? क्या गुरुजी, कितना अच्छा था, आपने मुझे आधे गाने में रोक दिया। आपको पता है ना, मुझे पूरा गाना सीखने का शौक है। शौक है नहीं, शौक अभी लगेगा। मतलब? मतलब हम तुमको बता रहे हैं, ये देखो। पिंजरे में चल के आ जाता है शिकार, दुनिया में चंद लोग होते हैं जादूगर। हेरा 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 मरा 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 अरे कौन था? एक अंतरा और था। वो तो बिजली चला गया। अरे तेरी माँ का, साकिना का। अब हम तुमको अलग अलग एक्टर का डांसिंग का स्टाइल सिखाएगा। हिंदुस्तान के सबसे बुरे डांसर से लेके सबसे अच्छे डांसर तक का स्टाइल सिखाएगा। सबसे बुरा डांसर कौन? इतुन तितुन आलामी तू। तो अच्छा कौन है? सबसे अच्छा डांसर धर्म जी। सबसे अच्छा धर्मेंद्र, अभी मरवाएगा यार। सोचो आज दिवाली, सोचो तुम्हारा बीवी रंगोली बनाया, रंगोली के आगे 8-10 दिया रखा, तुम्हारे हाथ में 2 फुलझड़ी दिया, अभी पैर से रंगोली खराब करो, दिया खराब करो और हाथ से फुलझड़ी जलाओ, मितुंदा का डांस हो जाएगा। म्यूजिक खराब करो, खराब करो, दिया उड़ाओ, दिया उड़ाओ, फुलझड़ी खराब करो, खराब करो। कौन था? अरे तो बहुत अच्छा था। खराब बोलते हैं? रंगोली खराब हुआ? हाँ? तो खराब डांसर था। अब हम तुमको अच्छा डांसर दिखाएगा। अच्छा धर्म जी। हाँ? सोचो तुम वॉशिंग मशीन। क्या करवाएगा? पहले कपड़ा धो। हाँ? फिर कपड़ा निचोड़ो। हाँ? फिर कपड़ा सुखाओ। म्यूजिक। मजट यमला पगला दीवाना, मजटी यमला पगला दीवाना, रब्बा इतनी सी बात न जाना, के ओ मनु प्यार करती है सदे उठे वो मरती, के ओ मनु प्यार करती है सदे उठे वो मरती है। कौन था? तुम हमको गुरुदक्षिणा देगा? अरे जब एक लव्य अंगूठा दे सकता है तो एक आध उंगली तो मैं आपको दे ही दूंगा गुरुजी। हमारा तमन्ना था कि हमको बहुत बड़ा ओपेरा सिंगर बनने का था, हम तुम्हारा उंगली का क्या करेगा? सर आप उंगलियों कुछ मत करना, जो करेगा उंगली करेगा। आप खाली गाना गाओ गुरुजी। 1-2 वो, 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 इस बार भी आपने उसी ब्रिलियंस का परिचय दिया। I'm really, really thank you, sir. Thank you, sir. To you, both of you for giving us such a brilliant act. Rohit. हमेशा कहते हैं कि कृष्णा सुदेश और ज्यादातर उनकी हम तारीफ करते हैं। I think you are on that level. बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट कई बार होता है कि स्क्रिप्ट लेट डाउन करती है। इस टाइम स्क्रिप्ट आप लोगों से ऊपर थी। अर्चना
I think you guys are the tops and I'm so, so, so proud of the Purans. Aditya, you want to take singing lessons? I don't want to take singing lessons. I enjoy your performances always. It's a lot of fun. Now, Mark's turn. This is for you guys' hard work. Thank you, sir. 10 points. Thank you, sir. 10 points again for guys. Thank you so much. कृष्णा सुदेश ला रहे हैं म्यूजिक का महामुकाबला. प्लीज वेलकम सीजन टू के सुमांस कृष्णा एंड सुदेश. और देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान. मुकाबला भी जान तो रखनी पड़ती है. कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान. शेखर जी, आप तो जानते संगीत के प्रोग्राम में डर बड़ा लगता है. चाहे मेरा मुकाबला आज लता जी के साथ है, फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को लता दीदी का नमस्कार. दीदी आवाज नहीं निकलती. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा आपके साथ मुकाबला हो रहा है. अब तो मैं हार भी जाऊं चाहे जीत जाऊं, मुझे कोई डर, मुझे आशीर्वाद दो, मैं ही जीतूं. आशीर्वाद से पहले ये बताओ, तुमने कभी किसी को हराया है? ले, हराया मैंने कुमार शानू के साथ गाया, घर पे बिठा दिया. शबीर कुमार जी के साथ गाया, घर पे बिठा दिया. विनोद रिठौर के साथ भी मैंने गाया, उसको घर पे बिठा दिया. अगर ऐसा ही है तो कभी हिमेश के साथ भी गाओ. मैं उनके साथ हीरोइन ही आऊंगी, उनको घर पे नहीं, उनको गांव में भेजना है. देखो तुम्हारे में इतना टैलेंट है कि तुम्हें तो अभी तक स्टार बन जाना चाहिए था. दीदी घर की मजबूरियां, मैं अकेली जान और मुझे जान जान कहने वाला पूरा मोहल्ला. कभी खुशी कभी गम. मैं अकेली माँ और मुझे बनाने वाले पांच पांच. कभी खुशी कभी गम. मैं अकेली औरत और मुझे बीवी कहने वाले पांच नहीं 500. आप तो जानते हैं मेरा पति लेरी बॉम्बे में पूरी तरह कंगाल हो गया. 3 साल हो गए मुझे मां बने को. कभी खुशी कभी गम. बस दीदी आपने इतना गा दिया ना मेरे लिए, इतने काफी. मैं खुद अपनी हार मानती हूँ. देखो ख्याली बनने की कोशिश मत करो. मुकाबला करने से पहले ही हार मान रही हो. दीदी मान जाओ, फिर मैंने गा दिया, फिर आप मुझे हरा नहीं पाओगे. मैं जा रही हूँ. इसका हाल देख के तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है. कॉमेडी सर्कस के जजों, जरा आँख में भर लो पानी, जो गरीब हुए हैं उनकी पेमेंट तुम्हें दिलवानी. Ha!
जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो ही तबला वादक जो हिंदुस्तान में फेमस हुए हैं, एक जाकिर सैन और सुरेंदर। Yeah, that's true. और आज मेरा सुरेंदर से ही मुकाबला है और इसे मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ। इस मुकाबले में आज तो यहाँ पे आके करना पड़ेगा, आ जाओ। पानी चाय पी रहा हूँ। अरे यार, मुझे क्यों बजा रहे हो? मैं तबला थोड़ी हूँ, तबला बजाने वाला। हेलो जीतन, जैसे आप जानते हैं ये तबले का मेरा जो मुकाबला हो रहा है, मेरा मुकाबला वो मैं ही जीतूंगा। तालियां। हेलो, चलो आ फिर बैठ के जीतो। हाँ बैठ जाओ। धा तिन तिन ना ता तिन तिन ना थोड़ 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 देखो, संगीत में तुम कॉमेडी नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हो, हम रोज कॉमेडी में संगीत करते हैं। देखो मुकाबला करना है तो ढंग से करो। ये देखो, धागे तिरगिड़ तू ना कत्ता, धागे तिरगिड़ तू ना कत्ता, धागे तिरगिड़ मैं ना कुत्ता, धागे तिरगिड़ मैं ना कुत्ता। सुरेंदर, तुम मुझे लाइटली ले रहे हो, ये संगीत का मामला है। मैंने उन उस्ताद लोगों के साथ बजाया जिनका कभी भी सुर गलत नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे बजाता हूँ, धागे तिरगिड़ तू ना कत्ता, धागे तिरगिड़ तू ना कत्ता। और मैंने उन उस्ताद लोगों के साथ बजाया जिनका सुर कभी सही नहीं लगता। थोड़ 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 थोड़। तुमने इन लोगों के साथ बजाया है तो मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं चलता। पाजी मैं जीत गया, पाजी मैं जीत गया, तालियां बजाओ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। खैर, संगीत का माहौल बना है और कुछ सुरीले लोग भी बैठे हैं, रहते भी आए हैं, और आप सोचेंगे कि मैंने आपको कुछ सुनाया नहीं, लेकिन मैं सुना के जरूर जाऊं। कौन हो तुम? सर मैं डॉली एयरोस्टिस। पर ऐसे क्यों आ रही हो? सर ये लोग मेरे को बहुत लेट पेमेंट देते हैं, तो मैंने सोचा अब मैं लेट के ही आऊंगी, और अगर तुम लोगों ने मेरी पेमेंट नहीं दी ना, तो फिर मैं लेट के ही परफॉर्म करूंगी, बोल देती हूँ। हाँ जैसे तुम लेटी हुई हो, लगता है मैं भी लेट हो जाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं चलता हूँ, हार गया मैं, हार गया। अरे कौन हो आप? उदित जी। जीते रहो बेटा, मम्मी को फोन कर दो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा मुकाबले में। ओके पापा। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ जिससे मेरी
शादी होगी। आज मैंने वो वो लड़की ढूंढ ली है। सर, आपने अपने लिए तो लड़की ढूंढ ली, सर आपके बेटे के लिए मैं कैसी रहूंगी सर? तुम तो उसके लिए ठीक रहोगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, मुझे पता है। मैं जानती थी आदित्य, यू हैव डिस्ड मी। मैं जानती थी तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे इतने महान कलाकार आए, तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया, हार के चले गए। लेकिन अब हम उस महान कलाकार को बुला रहे हैं जिनके ना तो कोई सुर हिला सकता है ना उनकी हैसियत। हम सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो आइए मिलते हैं उन कलाकार से। मिला सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में हलके मिले। सुर मेरा तुम्हारा मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। लगता है रोहित अर्चना? It was a fabulous act and I'm so proud that मैं शो में हूँ और मुझे आप जैसे एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने मिला, आप जैसे लोगों को जानने का मौका मिला। I'm really thankful to Comedy Circus. Thank you sir. कृष्णा, आपका जो लता जी थी was absolutely so unexpected. मैंने पहली बार देखा लता जी हैं। एंड सुदेश, आपने जितने भी कलाकारों की आवाज़ें निकाली हैं एंड जो उनका उनकी नकल की है, आई मीन रियली वर्ड्स फेल मी, यू डिजर्व द डांसिंग एंड सिंगिंग हिप्पो। डांसिंग एंड सिंगिंग हिप्पो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। शेखर, कॉमेडी का अगर कोई सुर ताल लय है तो उसे सिर्फ आप दोनों ही बखूबी समझते हैं, सुर को भी ताल को भी और लय को भी। आदित्य, मैं आ गया कॉमेडी सर्कस में, मैं आ गया हूँ हंसने। सुदेश और कृष्णा, स्वप्निल और VIP के एक्ट देख के मचता है शोर। वंस मोर एंड दैट्स रियली हाउ आई फील फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। अब बारी है स्कोर्स की। 10 points! Thank you! Obviously, 10 points again! Thank you, sir. Full score! बारात में होने वाली मस्ती को ले आ रहे हैं सीजन 3 के शेटीज, दूल्हा शरद, साला परेश विद भारतीय वेरियस आर्टिस्ट। जोरदार तालियां! जब किसी बैंड वाले की शादी होती है तो देखते हैं क्या होता है। म्यूजिक! I am a disco dancer. I am a disco dancer. Zindagi mera gaana. Main isi ka deewana. Hey, Jiju, aaiye na, abhi aaiye na. Nahi, main nahi. Jiju, please. Nahi. अरे चलो, ज्यादा सोबर मत बनो। चलो, अरे क्या सोबर मत बनो, मैं सूट उसमें डांस नहीं करता। सूट की चिंता मत करो, मेरे पापा ने दिया है। अरे वो क्या सूट दिलवाएंगे, वो तुम्हें जो चादर दी थी ना उसमें से सूट सिलवाया मैंने, और बाकी बचे कपड़े में से बच्चों की सफारी सिलवाई है। हाय मैं मर गई, सारी चादर खत्म कर दी। सारी चादर खत्म नहीं की है, जो बचा हुआ कपड़ा था ना उससे मैंने अपनी कार ढकी है। अरे अपने भाई से कहो ये सब छोड़े और घोड़ी पर बैठे, कम से कम लोगों को पता तो चले कि दूल्हा कौन है।
वो तुम्हारे मोहल्ले की औरतें ये साफा देखकर मुझे तिलक कर कर चली गई हैं। तुम मना नहीं कर सकते थे? अरे मना कैसे कर सकता था, सब लोग ने 10-10 रुपए मुंह दिखाई भी तो दिए। 10 रुपए के लिए जवाई से दूल्हा बन गए? इससे अच्छे तो तुम डांस करके कमा लेते हो। अरे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ। लो। मैं जाता हूँ। अजीजू अजीजू देखो आप बुरा मानो, आपकी पसंद का गाना गाऊंगा। हाँ बोलो कौन सा गाना गाऊं? जूली जूली। 1 2 3 4 जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आए जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान 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 है। जूली जूली जूली, आपने तो जूली को खुला छोड़ दिया, ये तो अपनी औकात पे आ जाएंगे। अरे इनको इनका ध्यान बटाना पड़ता है, नहीं तो बारात में पैसे लूटने लग जाते हैं। अरे भाई बहन के बीच क्या हो रहा है? कुछ नहीं जूली जूली। हाँ, जूली जूली जाने कहते तुम पे आए जूली। ये तो डांस में बड़े एक्सपर्ट लगते हैं। अरे इनका यही धंधा है, नाच नाच के बारात में पैसे लूटते हैं। अरे क्या खाखाखी हो रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं जूली जूली। अच्छा जूली जूली, चुप करे चुप। अबे साले जूली को खींच खींच के झोला बना दिया, अभी तक तेरा जूली खत्म नहीं हुआ। चल दूसरा गाना गा, दूसरा। अभी दूसरा गाना गा, मेरे भाई की शादी में तेरे को गाना गा गा के थका रहे हो। नहीं गाएगा गाना, तू जल्दी जल्दी सेहरा बांध। दीदी लास्ट सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग। अच्छा ये मानेगा नहीं खोता। लास्ट सॉन्ग, चल कुत्तिया गा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। ताली हो ताली हो ताली हो, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। आय 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 आय। आंटी आंटी दिल्ली वाला डांस दिखाओ। चल बे, इतने पेट के साथ आंटी डांस कैसे करेगी? नाराज हो गया, कर देती हूँ। हाय मैं मर गई, वे कुत्ते परेश इधर आ। अरे जीजू आंटी कैसे छुप के बैठा हुआ है? नमस्ते आंटी, के साथ डांस कौन करेगा तेरा प्यार? नमस्ते आंटी, नमस्ते। चल पंगड़ा पा बे, हंस रहा है, दलेर का गाना बजा। चढ़ती गड्डी रे ते चढ़ती चढ़ या टट्टू टप चढ़ती, बोलो तारा रारा बोलो तारा रारा, गंजरी का लाल करती बोलो तारा रारा। आयो रब्बा आयो रब्बा आयो रब्बा आयो रब्बा आयो रब्बा आयो रब्बा आयो। चीचा मार नहीं गया, मस्ता सा पैर छू गया इसको। अरे छोटा सा नहीं मोटा सा पैर छू गया। तेरा कुत्तिया, तुझे पता है तेरे अंकल का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा था? कौन सा? बसाखी। क्यों? मेरे साथ डांस करते करते बसाखी में आ गए। तेरी शादी दूल्हा बना, जीजू को कुछ खिला नहीं सकता था, ये डरा मैं कुत्ता यार। अरे मैं तेरे लिए अभी जूस का ग्लास लेके आती हूँ। बस यहाँ मुझे सुसु आ रही है और वो जूस भेज रही है। मैं एक मिनट में आया, तू इधर ही खड़ा रहे। जीजू मेरे साथ डांस करो। मैं एक मिनट में आता हूँ। जीजू चक्री। नहीं चक्री नहीं होगी, नहीं होगी। हो जाएगी हो जाएगी। अरे सुसु हो जाएगी तो। बोलो तारा रारा जिंदगी का लाल करती, बोलो तारा रारा बोलो तारा रारा जिंदगी का लाल करती बोलो। अरे रामू आ गया, भारती रामू पेट्रोल ले आया। अब जीजू से बोलो ना पेट्रोल मुंह में भर के आग निकाले। तुम्हें अक्कल नहीं है, बदतमीज कहीं के। जीजू इधर आओ। हाँ जीजू के मुंह में पेट्रोल डलवा रहे हो। पागल गई का। जीजू डीजल से चलते हैं, जनरेटर से डीजल। अब जीजू के लिए मेरा फेवरेट गाना नागिन बजाओ। हाँ देखो जीजू नागिन बनो, नागिन बनो। अच्छा अच्छा घुमा घुमा
रुको। क्या हुआ जीजू को? हाय रब्बा, कितना क्यूट सा जीजू सांप लग रहे, बेबी सांप। बेबी सांप शायद मर गया। हाय सांप मर गया। अरे सांप नहीं, जीजू मर गए। ओ सॉरी, जीजू मर गए। मैं अभी दीदी को बुला के लाती हूँ। दीदी दीदी क्या हो गया जीजू? क्या हो गया दीदी? दीदी मर जाने हम, कौन सा डांस करवा दिया जीजू को? मार डाला। सॉरी दीदी। इनका फेवरेट गाना गाओ, शायद कुछ बन जाए। जूली जूली। हाँ। जूली जूली। जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली। तू ही तो मेरी जान है। जान है। जान है। जान, जान है। जान है, 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 जान का दिल तुम पे आए चुली, तेरे लिए जान जान चुली, वही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान चुली, जान का दिल तुम पे आए चुली, तेरे लिए जान जान चुली, वही तो मेरी जान है। कैसी लगी है बारात? I think मुझे देख के we are all exhausted. इतने देर तक उसको संभाल के रखना, वो शरद देखो अभी भी कह रहा है, you are right. बहुत एनर्जी थी, बट आप तीनों ने बिल्कुल बेमिसाल जिसको कहते हैं काम किया. एंड भारती, यू आर दिस वर्क बेबी. दिस एक्ट वॉज वेल रिटन एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड. ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड. So I know I have to give you marks, but this is a dancing singing hippo for you. Dancing and thank you, singing thank you so hippo. Much. Thank you. I'm so proud that ये मेरी team में. Yeah. बहुत difficult होता है technically. Dance करना साथ में dialogue बोलना. गाना. और गाना. आप लोग ने एक वो पूरा aura create किया बारात का without crowd. We could feel that. Great. Thank you. Thank you so much. Aditya. Enjoyed it a lot. Yeah. Fantastic. बहुत मजा आया. Thank you. Perfect. 10 points. This is for your sheer energy. You're getting this. 10 points again. Thank full so score. Much. मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. बस ये गाना मैं नहीं गा रही हूँ. ये डॉन गा रहे हैं. क्योंकि उनकी जगह आ गए हैं बीच वाले डॉन, यू नो. प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज राजीव सलोनी एंड रश्मि. मैंने डॉन को मारा, मैंने डॉन को मारा. अब मुझे डॉन के गिरोह में भेजने के लिए डॉन का एक हम शक्ल चाहिए. धड़क डर मत, हम डॉन की आत्मा को दुखी नहीं पकड़ना चाहते, समझे? हाँ बोल. क्या डॉन का हम चिकन मिल गया? अरे तो भेज. ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए मस्त अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल. ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला. मिल गया मुझे डॉन का हम शक्ल. लेकिन तेरी तो सिर्फ शक्ल ही मिलती है डॉन से. और कुछ होगा तो मिलेगा. तुझे डॉन की गैंग में जाना है और वहां जाकर कहना है, मैं तुम्हारा बॉस हूं. हाय. मैं तुम्हारा बॉस हूं. हाय हाय हाय. ताली नहीं बजानी. ताली के अलावा कुछ बजाना ही नहीं आता. डॉन का पेट डायलॉग बोल बोल. मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है. मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है. पुलिस वालों को दावत दे रहे उबे साले. तू वो डॉन का फेमस गाना गा. चल वो कौन सा गाना यार? फैमिली सॉन्ग. फैमिली सॉन्ग. हाँ 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 फैमिली सॉन्ग मुझे आता है. गा.
चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे गुटर 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 ये फैमिली सॉन्ग था हाँ फैमिली कबूतरों की थी एक दूंगी ना एक गाना नहीं पहचाने को आता वो अरे दीवानो पहचानो अरे चल डॉन आया तुझे तैयार कर दिया भाग हाय मैं असली डॉन हूँ मैंने पुलिस को धोखा दिया है मैं अभी तक जिंदा हूँ हाय अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आयो मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन ओके तो सबूत दे बताओ डॉन के पीछे कितने मुल्कों की पुलिस पड़ी है अब तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है मुल्क छोड़ अब तो मुझे पुलिस वाले ही पता कितने हैं मेरा दिल डॉन की जान लेगी तू? हाँ, उसको मत लिपट, मुझे लिपट, मैं वो असली डॉन। तुझे कहाँ से लिपटू? जहाँ से तुझे लिपटना होता है, वहीं तो तू निपट जाता है। हाँ की बात मत कर, मैं कईयों के घर चलाता हूँ। क्यों राजेश भैया? कुछ नहीं, हाँ। फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि डॉन का धंधा कौन चलाता है पहले उन तीनों को धमकी देके पता करो पैसे निकल आए कि नहीं ओके अभी निकलवाता हूँ हाँ, हाँ। लेकिन इनको प्रोड्यूसर पैसे देगा तो ये हमें मिलेंगे ना ऐसे पैसे निकालेगा तो पैसे मिलने से रहे गा के मांगने पड़ेंगे पैसे मुझे पता है ठीक है मैं मांगता हूँ हाँ। जब भी अर्चना देखूं मेरा दिल दीवाना बोले डोले 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 मर्दों वाले डोले 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 मर्दों वाले डोले वेरी गुड थैंक यू इसमें धमकी कहाँ थी हाँ। इसको धमकी देना कौन सा मुश्किल है मैं ना तू मुझे जानता नहीं है जानता नहीं अबे साले ये तू धमकी दे रहा था या ऑफर दे रहा था उसको पता नहीं जो समझ ले मैं बताती हूँ कैसे पैसे निकाले जाते हैं मुंगड़ा 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 मैं गुटकी कली मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली हाय इसने तो हमारे पैसे निकलवा लिए हैं हाय क्योंकि असली डॉन मैं हूँ और तुम दोनों मेरी जगह लेना चाहते थे हाँ नहीं 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 मैं तो इसलिए नकली डॉन बना था यहाँ का प्रोड्यूसर पैसे नहीं देता मैंने सोचा डॉन बन के पैसे निकलवा लूँ अब तू असली डॉन आ गई है ना तो पैसे निकलवा दे प्रोड्यूसर के पास से पैसे निकलवा दे तो मेरे मेरे भी बस का नहीं है अगर उनसे पैसे निकलवाने तो एक ही तरीका है क्यों दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे मुफ्त में कर दिया काम तुझको अल्लाह रखे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे तुम ही दे दो दाम तुझको अल्लाह रखे सुर पे मत जाना इन्होंने पैसे नहीं दिए सीख नहीं सका तो अर्चना कैसे लगे आपको शेटीज के डॉन भाई वंडरफुल राजीव तुम तो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हो एंड रश्मि यू डिड अ फैबुलस जॉब एंड सलोनी यू आर तो डेफिनेटली कमिंग होम विद मी टुनाइट शेखर डू यू अग्री विद अर्चना नो बिकॉज आई एम टेकिंग सलोनी होम आई कंप्लीटली डोट ऑन हर आई थिंक शी इज द क्यूरियस थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ वो इतना ज्यादा कैरेक्टर में रहती है हर वक्त एंड एवरीबॉडी हैज टू लर्न फ्रॉम हर यू आर जस्ट टू अमेजिंग रोहित आज आपकी टीम
चौके पे चौका मार रही है, तो लगता है आपको कि पूरंस और सुमंस को टफ कंपटीशन दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, और हर एक्ट जब होता है मेरी टीम का तो मैं सबसे पहले सलोनी की तारीफ करते हैं, बट आज सलोनी आप बहुत अच्छा किया आपने आज भी, बट राजीव यू आर टू गुड टुडे। थैंक यू। Another great performance as usual. Thank you. अब बारी है स्कोर्स की। Shekhar? For this act, I'll give you a 9 points. Archana? It's a 9. 9 again. आपके बीच में आ रहे हैं सीजन 2 के सुमंस, लीछड़ गुरु राजीव निगम और उनके शागिर्द राजेश। आए न प्रीतम मुझको चुराने, अनु मलिक भी हो गए बेगाने। गुरुजी, खुश रहे कुत्ते कमीने, इतना मुंह लटका के क्यों आया है? गुरुजी, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? कल नाइट को फॉल्ट हो गया। क्या हो गया कमीने? गलती से मुंह से सुर निकल गया गुरुजी। सुर निकल गया? चल तेरी सजा ये है कि तू रियाज करेगा। नहीं। कर कर रियाज। बोल सारे गामा प सारे गामा। अबे पा तेरा बाप बोलेगा कुत्ते? गुरुजी कितनी बार कहा कि पा को हम प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें अच्छे गाने थे। हाँ हाँ बेटा, अच्छे गानों से हमेशा दूर रहना बेटा, घटिया संगीत में ही जीवन है। आपने जो घटिया दादरा हमें सिखाया था उसका फायदा हो गया गुरुजी। फायदा हो गया? सुन के कोई बेहोश हुआ? नहीं, दादर में हमें एक प्रोड्यूसर मिल गया। प्रोड्यूसर मिल गया? और वो चाहता है कि आप उसकी फिल्म में म्यूजिक दे। लेकिन बेटा ये बता सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट तो क्या बोले गुरुजी, इतना घटिया है कि वो तो उस पर कॉमेडी बना रहे हैं। बेटा ये बता हीरोइन हो गई? हाँ कह तो रहे थे कि पिछले महीने ही 18 साल की हुई है। मेरा मतलब है हीरोइन को कास्ट कर लिया? नहीं नहीं गुरुजी, वो तो कह रहे थे हमने बाकी सब कर लिया, कास्ट करना बाकी है। अच्छा अच्छा। गुरुजी फोन आया उनका लगता है। हेलो बेटा हुआ क्या? गुरुजी उन्होंने कहा कि इस फिल्म का म्यूजिक वो किसी और को दे रहे। बस कर बस कर, तू बैठ जा बेटा, इसके लिए बोलता हूँ ये फिल्म लाइन के चक्कर में मत पड़। बेटा तू संगीत साधना पे ध्यान दे। अल्लाह तू करम करना, अल्लाह तू रहम करना, मौला तू करम करना, अल्लाह तू करम करना, मौला तू रहम करना। कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ अपने साथियों के लिए डेंजर जोन में जाने से पहले। जाओ। मेरे बाद में दुआ करूंगा कोई भी डेंजर जोन में ना जाए और एक्ट ऐसा करें जो जजेस को समझ में आए। अल्लाह तू करम करना मौला तू। गुरुजी सटायर सटायर। अच्छा अच्छा। बेईमान कहीं कोई बचने नहीं पाए और बम कहीं कोई फटने नहीं पाए और माँ की कोख से अब बच्ची भी जन्म पाए, बह जाए चारों तरफ प्यार का झरना। अल्लाह तू करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह तू करम करना मौला तू करम करना। अर्चना कैसी लगी आपको ये गुरु चेले की जोड़ी? आई थिंक कम रिहर्सल की वजह से आप लोगों को वो नहीं करने को मिला जो आप कर सकते हैं, आप में जो टैलेंट है, लेकिन इन बिट्स एंड पीसेस ये एक्ट बहुत अच्छा था। रोहित? नहीं, जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप दोनों में वो बात है बट यू नो इट फील्स वेरी सैड, कितनी बार मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मिस हो जाता है, आई डोंट नो। आदित्य? आई एंजॉयड योर परफॉर्मेंस एज यूजुअल, वेरी वेल डन। अब है स्कोर्स की बारी। 8 फ्रॉम मी। 8 पॉइंट्स। इट्स एन 8 फ्रॉम मी। 8 पॉइंट्स अगेन। और अब बारी है एलिमिनेशन की। जजेस को और स्टूडियो ऑडियंस के टोटल को जोड़कर आज की दो
बॉटम टीम्स हैं सुमंस के राजीव और राजेश, दूसरी बॉटम जोड़ी है शेट्टीज के राजीव रश्मि और सलोनी। मैं शेट्टी से जाना चाहूंगी, आप में से कौन आने वाला है फेस ऑफ में? मैं और सलोनी। फेस ऑफ में सुमंस को मुंह तोड़ जवाब देने आ रहे हैं शेट्टीज के राजीव ठाकुर और सलोनी। आज मैं डेंजर जोन में, कारण है बच्ची दे दी उस पर मैं पंच नहीं मार सकता, खूबसूरत लड़की दे दी उस पर मैं पंच नहीं मार सकता, सबको वैरायटियां दी हुई हैं। भारती को देख लो, ये हाथी के बच्चे थपथपा के सुला देती है, चल सो जा। वीआईपी पे पंच मारो, आजकल पंच आके मां बहन की गालियां देता, खबरदार जो वहां मारा तो। मैं आ गई, हाय। ये इतनी शरारती है, मेरे घर में आई, मेरा तलाक कराने लगी थी। मैं कौन से तलाक करी थी? मैं तो आंटी से ईद के पैसे मांग रही थी। अबे परसों कौन सी ईद थी शेखर जी? आंटी भी ने कहा बेटा ईद नहीं है, मैंने कहा है, नहीं है, है। फिर मैंने कहा आंटी अगर आज ईद नहीं है तो फिर राजीव भैया रश्मि दीदी के गले क्यों लग रहे थे? इसको मैं शेखर जी अकल सिखाने के लिए अपने साथ शादी में ले गया, सामने दूल्हे को शगुन डाले थे, मैं कहा शगुन बेटा तू डाल के आ, तू बहुत समझदार हो गई है। वहां जाके दूल्हे को कह रही है अंकल जी हमारी भी दो प्लेटों के पैसे काट लो। बेवकूफ। खबरदार जो मुझे बेवकूफ का, जानता है मेरा बाप कौन है? कौन है? पापा। एक्टर कौन सा अच्छा लगता है? मुझे सनी देओल। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज निकाल लेती हूँ। चल निकाल के सुना। ओए बलवान ड्रा क्या करता है, या 322 ग्राम काट पड़ेगा ना तो करता रहेगा। आउच। थैंक यू सर, थैंक यू। फाइनल फेस ऑफ में शेट्टीज को कड़ी टक्कर देने आ रहे हैं सुमंस के राजीव निगम। हमारे हिंदुस्तान में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लिकर बैन है पूरी तरीके से, जैसे गुजरात। तो मुझे ऐसा लगता हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आवे कि हर जगह पर लिकर सरकारी तौर से एकदम कंपलसरी कर दिया जाए। सोचिए अगर लिकर कंपलसरी हो गया तो हमारी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर कैसे होगा? दो सहेलियाँ आपस में मिली सुबह सुबह, हाय शीला कैसी हो? बोली मैं तो टुन्ने, तू कैसी है? बोली मैं भी टाइट है। पता चला दारू भी राशन कार्ड से बढ़ रही है, अब किसी का स्टॉक खत्म हो गया पड़ोसन से मांगने गई, बोली बहन पाओ सिर दारू दे दो, मेरे बच्चों ने 3 दिन से एक बूंद भी दारू नहीं पिया, जैसे मेरा स्टॉक मिलेगा मैं तेरा वापस कर दूंगी। पड़ोसन भी शाणी, बोली हट मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहा है अभी, हर घंटे में एक एक पैक बना के देना पड़ता है इन लोगों को। थैंक यू। अब बारी है जूरी के स्कोर्स अनाउंस करने की, लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी दोनों टीम्स को कि वो प्लीज यहां पे आ जाए। तीनों जजेस के स्कोर्स को मिलाकर सुमंस के राजीव और राजेश आपको मिले हैं 22 पॉइंट्स, और शेट्टीज के राजीव रश्मि और सलोनी आपके स्कोर्स हैं 26 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं, यू कैन टेक योर सीट, कांग्रेचुलेशंस। अफसोस राजीव राजेश आपका सफर यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कोशिश की, प्रयास किया, और फिर से खुलेगा, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे तो फिर मौका मिलेगा, फिर करेंगे। नहीं जनता से कहूंगा निराश मत होइए। एनीवेज थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे राजेश और राजीव के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस गाइस, थैंक यू। अब महासंग्राम में बची है सिर्फ 4 टीम्स। अब अगले हफ्ते से इस महासंग्राम में एक ही रूल चलेगा, मारो या मरो, ओनली ऑन हिप्पो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम।